brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से. नमस्कार, मैं डॉक्टर भोला रिजाल. सुनिए आज की पंक्ति मेरी जुबान से. किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते. जी लो इन पलों को हंसकर ये दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते. नेपाल से पहली बार मिस्टर वर्ल्ड 2016 में सहभागिता जनाई गई है और संयोग यो मौको प्राप्त हुयो एक मारवाड़ी भाई गणेश अग्रवाल ने. गणेश अग्रवाल जी पिछला दिना मिस्टर नेपाल 2016 की उपाधि प्राप्त करने में भी सफल होया था. बेलायत में संपन्न मिस्टर वर्ल्ड 2016 प्रतियोगिता में गणेश अग्रवाल टॉप 20 में रहने में सफल रहा, या एक अच्छी शुरुआत रही है. आपनों योग कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव का संचालक दयाराम अग्रवाल के पहल में नेपाल का कई मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से 50,000 रुपया को आर्थिक सहयोग भी गणेश ने उपलब्ध कराया गयो थो इन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए. बैया ही कैलाश सरिया जी, संजय अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल जी और प्रमोद अग्रवाल जी द्वारा व्यक्तिगत रूप में भी कुछ सहयोग उपलब्ध कराया गयो थो. सभी सहयोगियों ने हार्दिक धन्यवाद. और या जो पहली बार शुरुआत हुई है, आशा करा आगे आनिया दिना में सफलता हासिल होएगी. आप सबके लिए एक जानकारी देना चाहूँ. हाँ, श्रावण एक गते से प्लास्टिक के थैला को उपयोग निषेधित कर दियो गयो है, इसलिए कोशिश करो घर से निकलती समय अन्य कोई झोला सागर रखा ताकि अनावश्यक झंझट और जरिवाने से बच सका. अब आगे आज का अतिथि से बातचीत. अपने देश नेपाल में एक साल पहले जो महाविनाशकारी भूकंप गयो थो, वह याद तो शायद जब तक जीवांगा तब तक कुनी मिटेगी, लेकिन वही टाइम में नेपाल में भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए कई तरह के सहयोग आया. उनमें से व्यक्तिगत लोग भी देश के अंदर जो सहयोग करया वो तो करे ही करया, देश के बाहर से बहुत ज़्यादा सहयोग आयो थो. उम से ही एक 9 साल को बच्चों अमेरिका में कुछ पैसा जमा करियो थो और 25 दिन के अंदर में करीब $40,000 जमा करियो थो, जो एक चर्चा को विषय भी बन गयो थो. और वो नेपाल का भूकंप पीड़ित के लिए ही करियो थो. वो है नीव सराफ, जो कि आज अपने स्टूडियो में है, और उनका पिता प्रकाश सराफ. ये लोग प्रकाश जी आपका परिवार सहित नेपाल से ही गएड़ा है, लेकिन नीव जो है अमेरिका में ही जन्मेड़ो. आज इना से उन सब विषय पर बातचीत करांगा. कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है. नमस्कार. नीव, द डोनेशन यू हैव कलेक्टेड फॉर नेपाल ड्यूरिंग लास्ट अर्थक्वेक, इट वॉज इंडीड रिमार्केबल. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू on behalf of all the Nepalese people. At the same time, can you tell us what was the inspiration on you to do, to get that collection and donate to the Nepal? Well, first, the inspiration was my dad, because he was the one who told me that I had enough things. It's not always about taking, but also giving. So ever since he told me that, I was thinking about the Nepal's earthquake. So I decided maybe we should raise money. Our original goal was 25,000, which boosted up to 30,000, then 35,000 to 40,000. That's all. So why
only for Nepal. Do you have any, do you know that with Nepal, your parents have some connections? Yes. It was because I have cousins and a lot of relatives in Nepal. So I decided that you never know what happened to their houses or anything. So I decided that that money should be spent on everything that was destroyed. Another thing is, Niv, you have been to Nepal long back when you were just of 4 or 5 years old. Might be you don't have some, you must be having very little memory only. Even then, without seeing Nepal or without knowing much about Nepal, why you thought that you should do something for Nepal? Because my relatives are there, like I said before, and my dad and mom were born here. So is that necessary? Wherever you help or you donate something, you have to have some relatives, or as a human being also, you should donate something. As a human being, you should always donate something. It's because even though someone's your relative, doesn't mean they get all everything. Because there's other people that are broke, poor, are blind, can't see, a lot of problems. So you can't just help your relatives. You have to help everyone else that's around the world. And I came to know you have been appraised by President Barack Obama also, and you had some awards also. Yes. By getting those things, what inspiration you got, or now you have a confidence, or what kind of a feeling you have now? I feel like I've done something really rewarding, something nice for the world. But with your friends, now how do they behave you, or at the same time, how do you behave them? After being a celebrity to some extent, we treat each other the same. Even there's no any difference now? No difference. They don't think that you are the hero or you are the leader, now they should follow you? Well, they do follow me. मैं इसमें एक बात पे टोकना चाहूँगा कि जो आप शब्द यूज करें सेलिब्रिटी या हीरो, मैं इसके दिमाग में नहीं डालना चाहता कि वो सेलिब्रिटी है, एक अच्छा इंसान बने, एक नेक इंसान बने जो लोगों की हेल्प करे। अच्छा, अब प्रकाश जी, अब आप ये बताओ, जैसे इसने कहा कि नेपाल के अर्थक्वेक के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसने आपसे ही सीखा समझा, उसके बाद जो घटनाएं हुई या जैसे कितने दिनों में और किस तरीके से पैसे उठाए गए वहाँ पे? बात है कि मैं जब अर्थक्वेक आया नेपाल में, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, हम उसको बता रहे थे कि टीवी में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे और बच्चे अफेक्ट होते हैं और उसको मालूम है कि हम लोग नेपाल से हैं, तो मैं इसको समझा रहा था अर्थक्वेक क्या होता है, लोग कैसे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो इसने कहा कि बाबूजी, हम लोग हमेशा पैसा देते हैं, तो मेरे जो पिगी बैंक में पैसा है, क्यों ना हम नेपाल में घर बनवा दें किसी के लिए। तो मैंने कहा इतना पैसे से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि हम क्यों नहीं लोगों से मदद मांगे। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि चलो, इसकी इच्छा है, यानी ही बी डूइंग फॉर 5 साल से कर रहा है, तो मैंने कहा चलो हम करते हैं। तो हमने बड़े छोटे तरीके से इसको स्टार्ट किया, हमने सोचा चलो 2-3 हज़ार डॉलर जमा करेंगे और देना शुरू करेंगे। तो हमने इसकी पिगी बैंक में पैसा कलेक्ट काउंट किया, तो हमें करीब $387 मिला। तो उसके बाद हमने फेसबुक और इधर उधर लिखना शुरू किया कि नहीं, वैसे पैसा कलेक्ट करें नेपाल के लिए। तो पहले 2 दिन में हमें करीब $2,000 मिल गए। तो वी बिट एक्साइटेड कि चलो $2,000 है। और उसके बाद हमें शायद 4 दिन या 5 दिन में वी कलेक्टेड अबाउट $5,000। तब मुझे लगा कि पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, हम पैसा लेना आसान है पर उसको सही जगह पहुँचाना भी पड़ेगा। तो फिर हमने अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउंडेशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है इंडिया अमेरिका में, उनसे संपर्क किया। और फिर हमने जितने पैसे हमारे पास आते गए, हमने अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा, डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालते गए, ताकि हमारे पास जवाब हो कि पैसे कहाँ गए। और वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छा काम कर रहे थे। तो इसके कारण हम करीब 25 दिन में वो एबल टू कलेक्ट $40,000। इसमें इसकी मम्मी जी और सबका कंट्रीब्यूशन है। जैसे नॉर्मली इस एज के जो बच्चे होते हैं ना,
उनमें कोई भी चीज़ को शेयरिंग करने की आदत कम होती है। वो समझता है कि जो भी मिल रहा है मेरा है या मुझे रखना है। तो नींव में लेकिन ये जो चेंज है, ये जो आदत में डेवलप हुई, ये हेल्प करना चाहिए। ये कब से आपने नोटिस किया कि इसकी ये आदत बन गई है? हमें संदीप हमेशा से बहुत शांत बच्चा था और आदत डालनी पड़ती है, और आई मीन अंदर भी कुछ होता है कि करना चाहिए। तो मैं इसको शुरू से हमेशा मैं चीज़ें बताता था, चीज़ें दिखाता था। जैसे मैं इसको शेल्टर होम ले जाता हूँ, एलिजाबेथ हाउस होमलेस, वहाँ पे हम होमलेस के लिए कुकिंग करते हैं, हम दोनों साथ जाते हैं। तो बच्चों के साथ क्या, आप जितना दिखाओगे वो देखते हैं। उनको बताना अलग बात है, दिखाना अलग बात है। और मैं हमेशा विश्वास करता हूँ आप कोई चीज़ दिखाते, विजुअल जो होता है वो ज़्यादा हेल्प करता है। तो उससे फ़र्क पड़ा? उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और जैसे अब आप इसको पिछले कुछ समय से कहीं नेपाल, अभी नेपाल भी लाए, इंडिया भी ले गए, तो वहाँ इसने US में जो भी चीज़ें देखी होंगी उससे बहुत सी फ़र्क चीज़ें यहाँ भी देखी होंगी, तो वो फ़र्क देख के इसका रिएक्शन कैसा रहता है? हमें कभी अमेरिका से बच्चे आते हैं या बाहर से आते हैं, दे गेट सरप्राइज पहले तो, क्योंकि उनके लिए सब कुछ अनोखा होता है। अब जैसे हम एक शादी में गए थे, तो शादी में जब लोग पैसे फेंक रहे थे, ही गॉट रियली एक्साइटेड कि बाबू जी लोग पैसे फेंक रहे, लेट्स गो कलेक्ट इट। तो यहाँ जिस तरह लोग पैसे फेंकते हैं, आई थिंक ये गलत है कि अगर आप पैसे आप देना भी चाहते हो तो उसे हाथ में दीजिए। आप पैसे फेंक रहे हो, फेंक, हर किसी की डिग्निटी होती है लाइफ में, रेस्पेक्ट होता है, चाहे कोई भी किसी कैटेगरी का आदमी हो, उसकी हर किसी की डिग्निटी है लाइफ में। तो हर इंसान को एक सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए। तो वो उसके लिए सरप्राइजिंग था। अब उसको याद था, वो ही कॉल्स इट मंकी टेम्पल, पशुपतिनाथ जी। तो 5 साल पहले उसको याद था, ही टुक लॉट ऑफ फोटोज किया और बंदर है, तो ही सरप्राइज, बट ही लाइक्स नीव। लाइक नाउ यू आर हियर इन नेपाल, लाइकवाइज यू हैव बीन टू इंडिया ऑल्सो। बेसिक द थिंग, द डिफरेंस बिटवीन दिस इन दीज टू कंट्रीज एंड इन US, व्हाट यू फाइंड? Population is one big thing. And the others? The other would be, in the USA, it's like, there's not a lot of buildings, not as much as Nepal and India. And weddings is one big thing also. How about the people around here and their behavior around here and in USA? What is, did you find some difference there? Kind of. Like, one thing is, people in the USA, how they behave, it depends who they are and where they come from, which state. And then people here, it's the same thing. Some people are nice, some people are not nice. Same with the USA. It all depends on who they are, where they came from, who their parents are. They look up so to. Would you like to come again in Nepal or India? Yeah. Do you have good memories also? Yes. You but think so? Yes, I think so. Okay. हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमालाई अर्को कुन पूर्णिमा का रूप में पनि चिन्न सकिन्छ? अप्सन ए जनै पूर्णिमा, अप्सन बी गुरु पूर्णिमा, अप्सन सी शरद पूर्णिमा र अप्सन डी फागु पूर्णिमा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 3404 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। मलेशियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल, एक एक सिसी प्रत्येक हप्ता 3 जनालाई। कलर्स मोबाइल ब्राइट पिटेन, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजे इन्डक्शन कुकर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. Solid.
ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी अपने कने अतिथि है नीव शराफ और प्रकाश शराफ, इना से बातचीत कर रहे हैं। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। प्रकाश जी, इन एज का जो बच्चा हुआ है 8-9 साल का, इना ने यू को निबेरो हुआ है कि मेरी नीड की है, या मैं एग्जाम्पल अगर दूँ तो उन्हें अगर भूख लाग रही है तो उन्हें यू को निबेरो कि मैंने एक रोटी खाने से मेरा पेट भर जागो या दो खाने है। ए एज में दूसरा ने हेल्प करने की इनकी जो इच्छा जागृत हो रखी है, इन्हें क्या ले होती? मैं लगा मेरे लोग बच्चा लोग ने अंडर एस्टिमेट बहुत करा। आज का जनरेशन का जो बच्चा है दे अंडरस्टैंड अ लॉट। अब मेरे लोग अभी उन्हें बच्चा समझा कि बच्चा है, बट आई थिंक दे आर वेरी मैच्योर। मतलब अब वो बच्चा ले बात कर रही, क्योंकि एक तो दुनिया उन लोगों के लिए खुल चुकी है। जो चीज़ पहले माँ बाप बताता था या दोस्त भाई बताता था, अब इज इन देयर हैंड कंप्यूटर्स लैपटॉप में। आई थिंक समटाइम दे सरप्राइज अस, जिस हिसाब से मेरे लोग बताओ चीज़ें। आई मीन ही समटाइम टेल्स मी लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने खुद मालूम पड़ा। सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब आपको कहना यह है कि आप अंडर एस्टिमेट ज़्यादा करा। चलो आज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से दे नो अ लॉट। आई मीन हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम उसको सिर्फ बच्चा ही समझते हैं, बच्चा ही समझते हैं। पर उससे मैच्योर तरीके से बात करें तो सबसे पहली बात है कि आज बच्चों से दोस्त की तरह व्यवहार करना ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बच्चों से दोस्त की तरह बात करें तो आपसे खुल के बात करेगा। और अमेरिका में हम लोग के लिए सबसे बड़ी नीड ये है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, आपके चाचा भाई ताऊ जो बहुत से लोग बात करने के लिए हैं। वहाँ पे अगर बच्चों के साथ आपके बात करें तो भी बच्चे बाहर ढूंढने के साथ। पहले मैं जिस बिज़नेस में था बहुत बिजी था, 9 to 10 का मेरा बिज़नेस था। अब मैंने वो बिज़नेस बंद करके आई स्टार्टेड माई ओन अदर बिज़नेस। अब मैं ज़्यादा समय उसके साथ बिताता हूँ, हम एक दोस्त की तरह ज़्यादा है। बहुत से लोग सरप्राइज होते हैं कि अरे तुम दोनों अकेले कैसे घूम रहे हो 3 हफ्ते के लिए, मेरी मम्मी कहाँ है, या डोंट यू गेट बोर, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को हम बच्चों के दोस्त बन सकते हैं। नीव, व्हाट इज योर एम फॉर फ्यूचर? प्रोबब्ली टू बी अ टीचर और हेल्प द होमलेस, वर्क एट एलिजाबेथ्स हाउस मोर। देयर इज अ टन ऑफ थिंग आई वुड विश टू डू। व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर? A teacher so I could teach the kids. And I don't want to be a teacher that gets money. And I don't want people to pay me to come to my school. I just want kids to come to learn, like the ones that are homeless, poor, can't afford to get a nice big school. So if you will not take any money for your teaching, then how you will survive then? Don't you think you need money to survive? It's a very trick question, it's I guess. A trick question. No, just you said that I would like to invite people older, to learn about. When I get older, maybe I'll open a non-profit school. Okay, I understand. And another thing is, like your papa is from different community, like he is Marwari, and he may be speaking with you in Hindi also. And your mom is from Newar community. She speaks in different another language in Nepali. And whereas you speak in English language, don't you get confused sometimes? Sometimes that I do. But if I do, they would speak in English so I could understand better. But at times, which one language you like? Your father speaks in Hindi, that one, or your mother speaks in Nepali, that one? I can't answer that question. You can't answer that question? Okay. And how about, have you ever seen your Bauji speaking in Marwari? Just few minutes ago, he speak with me in Marwari. Not that I know. Ever he teased you about the culture of where he has been from? He has teased you something? He has mentioned you about something? I guess he did. Yes, we got to remember the Holi, Diwali, Ramayan. Yes. He knows what Ramayan is, and we celebrate all festivals there. So. So now tell me another question. You have been appraised by US president. Yes. Likewise, you got few awards. Now,
do you have some kind of overconfidence? Or in other words, do you feel proud? I do feel a little proud of the but I'm asking you a question as a proud, not for getting the award you are proud, but sometimes some people have some different type of a thinking when they get something big. Yeah, that's what I was thinking. I was proud for finishing an accomplishment. Okay. अभी जो यू बोलियो जहाँ मारवाड़ी कल्चर के बारे में या अपनी मारवाड़ी जो संस्कृत भाषा है आप इन मारवाड़ी सिखाना उतना जरूरी कौन समझो? इसकी लाइफ ऐसी इतनी कॉम्प्लेक्स है. जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ उसके साथ, मेरी वाइफ नेपाली में बोलती है, वो अब उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाली बात हो गई है. मतलब मैं सिखाना चाहता हूँ, कल्चरल एक लैंग्वेज सिर्फ नहीं होता, कल्चरल ट्रू एक सम्मिश्रण हर चीज़ों का. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे मैं इसको रामायण कर बताता हूँ, कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं उसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ, उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि वो फेस्टिवल कैसे हुआ है. अब जैसे रामायण में इसको मालूम है, वहाँ पे बहुत से कल्चर सब मिल के मनाते हैं, तो उसको मालूम होता है कि रामायण क्या है, उसको मालूम है दीपावली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं. तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है. उसके साथ सीखने के लिए तो वही नहीं है, उम्र ही नहीं, उम्र कुछ भी सिखा सकते हैं. एंड इट्स सच अ वास्ट वर्ल्ड, तो मतलब आई थिंक एक एक्स्ट्रा बर्डन है. अब आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा जो है, जो अभी इसने इसकी इच्छा जैसी है, उस हिसाब से ये आगे जाके क्या करे, मतलब कैसा बने? एज अ फादर आप क्या चाहते हो? नहीं, अब आजकल मेरी सिर्फ बात नहीं, आजकल समाज बहुत बदल गया है. आजकल माँ बाप बहुत बदल गए. वो ये नहीं रहा कि व्यापारी के बेटे व्यापारी बनना पड़ेगा या डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनना पड़ेगा. मैं चाहता हूँ एक अच्छा इंसान बने, मतलब ये जिंदगी में जो करना चाहे. मुझे कोई नहीं, पैसा आता है, पैसा अपने आप आएगा. आई मीन उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होगी, बट अगर वो एक अच्छा इंसान बने, लोगों की हेल्प करना चाहे. समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है वो भी हेल्प करता है, कोई समाज सेवक बन के हेल्प करता है. तो अगर वो समाज सेवक बनना चाहे तो भी उसकी भी कोई वो नहीं है. आई मीन इस बोला ना, इस वास्ट वर्ल्ड. चलो, आप लोग आए, हम लोगों से बात की, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. और फिर से एक बार आप दोनों का या यूँ कहूँ आप तीनों का, इसकी मम्मी का, हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नेपाल की जब आवश्यकता थी उस समय में बहुत सहयोग किया. नीव, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर, एंड ऑल्सो आई विश दैट the help you want to do for the people of Nepal or all over the world, you can do as much as you can. Thank you. Thank you so much. दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था प्रकाश सराफ जी से और नीव सराफ से. मैं यह जरूर कहूँगा, जो भी दर्शक देख रहा हो, नीव की यह जो मेहनत थी, ऐसे बहुत कुछ सीखने को है. सबने जरूर कुछ सीखना चाहिए. ऐकी एक बात सबसे अच्छी थी कि लेनो तो सभी कोई जाना है, अगर देनो जाना उससे बड़ी कोई चीज़ को नहीं हो सके. इतनों कहते हुए अब जाते जाते इस हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार. यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमालाई अर्को कुन पूर्णिमा का रूप में भी चिन्न सकिन्छ. अप्सन ए जनै पूर्णिमा, अप्सन बी गुरु पूर्णिमा, अप्सन सी शरद पूर्णिमा र अप्सन डी फागु पूर्णिमा. दिएका अप्सनहरु मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार. मलेशियामा उत्पादित चोइस ब्रान्ड सूर्यमुखी तेल एक एक सिसी प्रत्येक हप्ता 3 जनालाई. कलर्स मोबाइल प्राइड पिटेन प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई. प्रत्येक महिना सीजे इन्डक्सन कुकर एक जनालाई. विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ. आजके लिए यो कार्यक्रम इतनो ही. अगले शनिबार फिर नई सामग्रियों के सागर उपस्थित रहूँगा. तब तक के लिए मने भी इजाजत दियो. और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98498-23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर. और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो. पुराना एपिसोड देखने के लिए
यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुंदर सपना का व्यूचर दे अपनो पहिजन फैलाऊं दे नया नया विचार को ल्याऊं दे उपहार भाई सरस्वत बाप को दसले जाओ ससौरा भाई सरस्वत बाप को दसले जाओ ससौरा हमी सबै को प्यारो अपनो नेपाल अपनो गौरव अपनो नेपाल अपनो गौरव।